इतिहास बदल जाता है, बहुत दूर की बात नहीं है और बात बहुत कही जाएगी सुनी जाएगी, उसमें कोई हर्ज नहीं। एक लाइन है कि शहर में उसके दुश्मन बहुत हैं, शहर में उसके दुश्मन बहुत हैं इसलिए कि आदमी बहुत अच्छा है। तो पीछे मुड़ के देखने की आदत, मैं अध्यक्ष जी से गुजारिश करूंगा कि पीछे मुड़ के देखने की आदत न डालेंगे, और यदि इन्होंने संकल्प किया है कि नहीं ये दो बरस नगर पालिका के स्वर्णिम दिन होंगे, तो इसके लिए मैं आप लोगों की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूं कि निश्चित रूप से वो दो बरस ऐसा करके दिखाइएगा कि आपको फिर मंच पर आकर के ये न कहना पड़े आपके प्रतिनिधियों को और आपको कि कुछ हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन कुछ बीच में बाधा सरकार लोगों की तरफ से आई जिससे हमारे अध्यक्ष जी नर्वस हो गए थे, और ये मुक्ति धाम यहां से इस स्थल को चेंज करके कुटी घाट के तरफ जा रहा था। मैंने निवेदन किया अध्यक्ष जी से कि मुझको एक मीटिंग का अवसर दिया जाए, और जब मैं भी नर्वस हो जाऊंगा तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कहीं भी आप इस स्थल को ले जाएं। मैं उस कार्य अभूतपूर्व कार्य हम लोग के नगर पालिका अध्यक्ष माननीय अजीत जायसवाली द्वारा कराया जा रहा है। 3 दिन पूर्व में नगर पालिका कार्यालय में पहुंचा था, इन्होंने मुक्ति धाम का आपको नक्शा दिखाया, मुझे बहुत खुशी हुई। हमने एक आशा और उम्मीद भी जगाई कि भैया आपने बहुत कार्य करवाया नगर में, लेकिन कहीं ना कहीं गुणवत्ता में हरास रहा, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप वहां का जो कार्य हो, बाहरी मुक्ति धाम का निर्माण हो, उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में अगर कोई अनदेखी करे तो उसको बर्दाश्त मत करिएगा। आप अपने देखरेख में उस कार्य को कराने का प्रयास करिएगा। इन्होंने हमें उसी दिन यह विश्वास दिलाया कि मैं खुद इस मौके पर आकर काम कराऊंगा, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। या आपने अब तक जितने कार्य कराया उसमें अगर नंबर वन अगर मुझे अंक देना हो तो मैं सबसे पहले यह अभूतपूर्व कार्य हम लोग के नगर पालिका अध्यक्ष माननीय अजीत जायसवाली द्वारा यह कराया जा रहा है। 3 दिन पूर्व में नगर पालिका कार्यालय में पहुंचा था, इन्होंने मुक्ति धाम का आपको नक्शा दिखाया, मुझे बहुत खुशी हुई। हमने एक आशा और उम्मीद भी जगाई कि भैया आपने बहुत कार्य करवाया नगर में, लेकिन कहीं ना कहीं गुणवत्ता में हरास रहा, और मैं आपसे चाहता हूं कि आप वहां का जो कार्य हो, बाहरी मुक्ति धाम का निर्माण हो, उसमें किसी प्रकार की गुणवत्ता में अगर कोई अनदेखी करे तो उसको बर्दाश्त मत करिएगा। आप अपने देखरेख में उस कार्य को कराने का प्रयास करिएगा। इन्होंने हमें उसी दिन यह विश्वास दिलाया कि मैं खुद इस मौके पर आकर काम कराऊंगा, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। या आपने अब तक जितने कार्य कराया उसमें अगर नंबर वन अगर मुझे अंक देना हो तो मैं सबसे पहले इससे परेशान हो, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इसी चंद शब्दों के साथ कि आप धैर्य रखें। हमें उम्मीद है कि 8 से 10 महीने के अंदर ये कार्य पूरा हो जाएगा। 1 तारीख से इस पर निर्माण कार्य दस्तर पर शुरू हो जाएगा। लेकिन यह सरजू तट जिस पर भगवान राम के पिता दशरथ रहे, लेकिन इतिहासकारों ने ऐसे कहा है कि सरजू और सरजू का तट कई बार बना है और बिगड़ा है। दशरथ के बाद जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, अंतिम सत्य राम नाम सत्य है, सारे काम क्रोध मद लोभ मत जाते। स्वयं
लिखा है कि सब जात फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जहाँ एक घटी निघटी हु घटी रुचिमीत जटी जगजीव जतीन की छूट तटी अगवोघ की बेरी कटी बिकटी निकटी प्रगटी गुनिधान जटी जमोरन नाचत धूर जुटी बन सर जुटती गुण धून बटी यह सरजू का एहसास तक है। सनातन परंपरा के अंतर्गत जीने वाले लोग धार्मिक वृत्ति में रुचि रखते हैं और उस धार्मिक वृत्ति में रुचि रखने वाले वो जीवन की मुक्ति के साथ मोक्ष का भी कल्पना करते हैं, मोक्ष की भी कल्पना करते हैं और वो मोक्ष निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में और जब शांत हो जाता है तो उस स्थल पर आकर के पाता है जहाँ से निज जीवन का परिनिर्वाण होता है। यह कार्य करके नगर पालिका अध्यक्ष ने बरज क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी पुनीत और बस मैं समझता हूँ कि उत्कृष्ट कार्य किया है, पूरी तो किया उत्कृष्ट कार्य किया है जिसकी आवश्यकता पूरे नगर और क्षेत्र को थी। इस प्रसिद्ध शमशान घाट पर अंत्येष्टि स्थल विकास योजना के तहत जो सौदा मुक्ति धाम बनाया जा रहा है निश्चित रूप से यह सराहनीय प्रयास है और साथ साथ ये आवश्यक है कि जो कार्य हो या गुणवत्तायुक्त हो जैसे इस मुक्ति धाम का जो अस्तित्व है बरकरार रहे, ये मैं मांग करता हूँ। मैं संपदा न्यूज़ की तरफ से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आज शिलान्यास इस स्थल पे होने जा रहा है बरहज में, उसके विषय में दो शब्द बोले। बोले जहाँ यह बहुत पुराना शमशान है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपना सौदा करने के लिए और यहाँ बहुत मतलब पहले से इसका बन जाने से ज़्यादा यहाँ आधुनिकता बढ़ जाएगी और लोगों का आना जाना बढ़ेगा। ये जो आज शमशान घाट पे पालिका अध्यक्ष अजीत जायसवाल जी द्वारा शिलान्यास किया गया है सौदा धाम का, बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है। इसके लिए अजीत जायसवाल जी के प्रयास को मैं सलाम करता हूँ। इसके बन जाने से हमारे परहल नगर के आसपास के क्षेत्र को तो लाभ मिलेगा ही। चौरी चौरा देवरिया काफ़ी दूर से लाशें यहाँ जलाने के लिए आया कर उसी नगर से भी होती है, तो जो लोग यहाँ आएंगे उनके लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाएगा यहाँ पे। और मैं पुनः एक बार उनको जी जायसवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने बरहज के इतिहास में तो एक मील का पत्थर गाड़ा है। आज जो शिलान्यास हो रहा है इसके विषय में आप कुछ दो शब्द सभासद जी। मनुष्य की अंतिम यात्रा होती है मुक्ति पथ, उसके लिए अध्यक्ष जी द्वारा किया गया प्रयास ये निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और अब तक के किए गए कार्यों में मैं इसको सर्वोत्कृष्ट कार्य मानूंगा। जो काबिल तारीफ है और आशा है अध्यक्ष जी इस कार्य को जिस तरह शुरुआत किए हैं अंत भी उसका उतने ही बेहतर तरीके से। संपदा न्यूज़ की तरफ से मैं राकेश श्रीवास्तव। नेताजी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये शमशान घाट आज शिलान्यास हो रहा है बरहज में, इसके विषय में दो शब्द आप कुछ बोले। शमशान घाट का शिलान्यास से बरहज नगर का कुछ उत्थान होगा, इसलिए उत्थान होगा यह तीन मोड़ से रास्ता है और यह शमशान घाट नहीं बनता इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। संपदा न्यूज़ की तरफ से मैं राकेश श्रीवास्तव। सानी जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो आज शिलान्यास हो रहा है इस शमशान घाट पे बरहज के, इसमें आप अपनी बातों को रखें। सानी यहाँ ये नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा जो ये शिलान्यास की पहल की गई, जहाँ तक मेरे ज्ञान में है
यह बहुत ही उत्तम कार्य है। इसमें अध्यक्ष की भूमिका सराहनीय है। उनका ये कि मानव जीवन का ये अंतिम पड़ाव का ये कार्यक्रम जो भी काम इसमें होने चाहिए, अध्यक्ष महोदय से हम ये चाहेंगे कि गुणवत्ता युक्त बरहज के नगर चेयरमैन अजीत जायसवाल ने जो आज पुनीत कार्य किया है मुक्ति धाम का शिलान्यास करके, वह एक अद्भुत एवं बेमिसाल कार्य किया है। विकास के नाम पर अजीत जायसवाल ने जो कार्य किया है बरहज में वह अतुलनीय है। संपदा न्यूज़ के लिए राकेश श्रीवास्तव।